होटल राजमहल एपिसोड 108, श्रुति या कोई और। दिव्या को उस बच्ची की आत्मा ने हवा में लटकाया हुआ है और धीरे धीरे दिव्या की सांसें उखड़ती जा रही हैं। विशाल के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो आत्मा दिव्या को छोड़ नहीं रही है। विशाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लगने लगा है कि आज उसका प्यार, उसकी दिव्या उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। उसी वक्त जब विशाल और दिव्या दोनों को यह लगने लगता है कि आज श्रुति दिव्या की जान ले लेगी, तभी अचानक से घड़ी 3:30 बजने का इशारा करती है। उस टन की आवाज से सारा होटल गूंजने लगता है और ये देखकर श्रुति की आत्मा बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसे देखकर एक पल के लिए विशाल और दिव्या भी हैरान रह जाते हैं। देखते ही देखते पूरा होटल राजमहल आग की लपटों में घिर जाता है। इसके साथ ही श्रुति के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं और उसकी पकड़ दिव्या की गर्दन पर ढीली पड़ने लगती है। देखते ही देखते वो एक झटके से दिव्या से अलग हो जाती है और चीखते चिल्लाते हुए आग में झुलसने लगती है। विशाल तुरंत आगे बढ़कर दिव्या को संभाल लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर भागते हुए होटल राजमहल के दरवाजे से बाहर निकल आता है। दिव्या की हालत इस वक्त बेहद नाजुक है और वो काफी मुश्किल से सांस ले पा रही है। बाहर आते ही विशाल उसकी पीठ को सहलाने लगता है और कुछ देर बाद दिव्या की सांसें पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हैं। दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? तुम अकेले उस कमरे में क्या कर रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? विशाल ने दिव्या को गले लगाकर पूछा। इस वक्त विशाल बेहद परेशान है और काफी डरा हुआ है। वो किसी भी कीमत पर दिव्या को खोना नहीं चाहता। मैं अब बिल्कुल ठीक हूं विशाल, मुझे भी नहीं पता कि मैं उस कमरे में कैसे पहुंची। मेरा खुद पर कोई वश ही नहीं था, लेकिन इस पूरे मामले में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। श्रुति कभी एक छोटी और मासूम बच्ची बन जाती है तो कभी ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर एक बहुत बड़ा शैतान छुपा हुआ हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यही पता लगाने के लिए तो हमें उसके घर जाना होगा। ये कहते हुए विशाल ने अपनी मुट्ठी खोली, जिसके अंदर एक कागज का टुकड़ा है और उस पर दिल्ली का एक एड्रेस लिखा हुआ है। दिव्या और विशाल को श्रुति के घर का एड्रेस तो मिल गया, मगर वो दोनों ये नहीं जानते कि वहां पर कौन सी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। दिव्या और विशाल के सामने एक एक करके कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। कभी श्रुति एक भोली मासूम बच्ची बन जाती है तो कभी वो शैतान का रूप लेकर उन दोनों की जान लेने पर उतारू हो जाती है। उन दोनों के लिए ये सब कुछ एक पहेली जैसा बनकर रह गया है। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है दिव्या, हमें आज के आज दिल्ली निकलना होगा, विशाल ने दिव्या से कहा। दिव्या और विशाल तुरंत सुबह 5 बजे की बस से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वो लोग दिल्ली तो निकल गए, लेकिन इसके साथ साथ उनके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे हैं। क्या श्रुति के माँ बाप उन लोगों से मिलने के लिए तैयार होंगे या फिर उन दोनों के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देंगे? बात चाहे जो भी हो, लेकिन उन्हें हर हालत में सच्चाई की तह तक पहुंचना ही होगा। दिल्ली पहुंचते ही वो दोनों श्रुति के घर पहुंच गए। वो घर देखने में बिल्कुल सीधा साधा है और उस घर के बाहर एक कार है जो दिखने में काफी पुरानी लग रही है। दिव्या और विशाल घर की डोरबेल बजाकर एक कोने में खड़े हो गए। विशाल, तुमने देखा था ना कि श्रुति को आग में झुलसता देख उसके माँ बाप की हालत क्या हुई थी? क्या हमें उनसे इस तरह की कोई बात करनी चाहिए? दिव्या ने परेशान होते हुए पूछा। उन दोनों ने देखा था कि कैसे रो रो कर श्रुति की माँ बेहोश हो गई थी और उसके पापा अपने आप को कितना बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। मैं अच्छे से जानता हूं दिव्या कि शायद हम लोग इन लोगों के जख्म एक बार फिर हरे कर देंगे, लेकिन श्रुति को मुक्ति दिलाने के लिए हमें ये सब करना ही होगा। जो कुछ भी चल रहा है,
उसे पता लगाने के लिए हमें इस रास्ते से होकर ही गुजरना होगा। तभी एक 40-45 साल की उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला। वो अपनी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा बूढ़ा लग रहा है और उसके चेहरे पर झुर्रियां साफ दिख रही हैं। दिव्या और विशाल को यकीन नहीं हो रहा कि ये वही इंसान है जिसे उन्होंने 7 साल पहले अपनी छोटी सी बच्ची को बचाते हुए देखा था। हाँ जी, कौन? उस आदमी ने दिव्या और विशाल से पूछा। नमस्ते, मेरा नाम विशाल है और ये दिव्या है। हम दोनों जयपुर से आए हैं। जी बोलिए, आपको क्या काम है? हम दोनों होटल राजमहल से आए हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि होटल राजमहल 7 साल पहले आग में जल चुका है, लेकिन अब उसे दोबारा बनाया जा रहा है और हमने इसके लिए एक गेस्ट लिस्ट तैयार की है। क्या आपका नाम सचिन कुमार है? विशाल ने उनसे पूछा। होटल राजमहल का नाम सुनकर सचिन के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया है, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। एक्सक्यूज मी, आपका नाम सचिन कुमार है? जब विशाल ने देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रहे, तो उसने एक बार फिर पूछा। सचिन इस वक्त बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन उन्होंने धीरे से अपना सर हिलाकर विशाल का जवाब दिया। हमने ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जिन्हें हम होटल बनने के बाद इनॉग्रेशन पार्टी में इनवाइट करना चाहते हैं, और उन गेस्ट में एक आप भी हैं। हम आपको इनवाइट करने आए हैं। विशाल ने तो ये बात बेहद आसानी से कह दी, लेकिन उस बात को सुनकर उस आदमी के होश उड़ गए। देखते ही देखते उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपना सर झुका लिया। विशाल और दिव्या ने दुखी होकर एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने यहां आने से पहले ही इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद कर ली थी। क्या आप ठीक है? दिव्या ने आराम से उनसे पूछा। वो दोनों यहां पर आकर उन्हें दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। उस मनहूस होटल का नाम भी मत लेना। उस होटल ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। ये कहते कहते वो वहीं फूट फूट कर रोने लगे। विशाल ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभाला और उनसे पूछा, अब ऐसा क्या हुआ है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है उस होटल में? सचिन ने रोते रोते कहा, क्या हुआ है उस होटल में? उस होटल ने मुझसे मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी दुनिया, सब कुछ छीन लिया। बीवी? दिव्या और विशाल दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो दोनों जानते हैं कि होटल राजमहल में सचिन ने अपनी बेटी को खो दिया था, मगर बीवी, उनकी बीवी को क्या हुआ? उसी होटल राजमहल में मेरी बेटी की मौत हुई थी, वो भी जिंदा जलकर। वो तड़प तड़प कर मेरी आंखों के सामने मर गई थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। मैं बस वहां खड़े खड़े उसे चलते हुए देख सकता था और कुछ भी नहीं। उस बात को 7 साल बीत गए, मगर वो दर्द मेरे अंदर से आज तक नहीं गया। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को यह मरते हुए देखकर मेरी बीवी अपना आपा को बैठी और वो डिप्रेशन की शिकार हो गई। उस रात मैंने सिर्फ अपनी बच्ची को नहीं खोया, बल्कि अपनी बीवी को भी खो दिया। मेरी बीवी पिछले 7 साल से एक जिंदा लाश बनकर जी रही है। उसका जिंदा होना या ना होना बराबर है। आइए खुदा कर देखिए। इतना कहते ही सचिन दिव्या और विशाल को अपने घर के अंदर ले गया। उन दोनों ने देखा कि घर के अंदर एक कुर्सी पर सचिन की बीवी बैठी है। वो दिखने में काफी बीमार लग रही है और उनकी आंखों के आसपास गड्ढे हो चुके हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया है जिस पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। उनकी आंखों में जिंदगी का नामो निशान तक नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आंखें किसी का इंतजार कर रही हों।
यह सब देखकर दिव्या और विशाल को बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रुति के साथ साथ श्रुति की मां का भी ये हश्र होगा। ये सब कुछ उन दोनों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। लेकिन आखिर आपकी बेटी को ऐसा हुआ क्या था जो होटल राजमहल में उसकी मौत हो गई? दिव्या ने हैरानी से सचिन से पूछा। ये तो मैं भी नहीं जानता कि उसे क्या हुआ था। ये सुनते ही विशाल और दिव्या हैरान रह गए। सचिन ने आगे कहा, हंसता खेलता परिवार था मेरा और हम छुट्टियां मनाने के लिए जयपुर गए थे, मगर मुझे क्या पता था कि उन छुट्टियों में मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। एक दिन हम लोग बाहर से घूमकर होटल आए और श्रुति हमारे कमरे में जाकर खेलने लगी। मैं और उसकी मां छवि बाहर बैठे थे और कुछ बात कर रहे थे कि तभी अचानक से हमने देखा कि श्रुति ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। पहले तो हम उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहे, मगर वो दरवाजा नहीं खुला। देखते ही देखते अचानक से श्रुति के अंदर अजीबोगरीब बदलाव होते चले गए। उसके चेहरे का रंग बदलने लग गया। वो अपने आप हवा में उड़ने लगी। उसके हाथों और पैरों पर बिना चोट लगे ही जख्मों के निशान आ गए। मुझे और छवि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी अचानक से देखते ही देखते श्रुति के ऊपर मिट्टी का तेल आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो उस पर तेल डाल रहा है, मगर हमें वो नजर नहीं आ रहा था। 6 साल की बच्ची जिसने ठीक से अभी तक अपनी जिंदगी जीनी शुरू भी नहीं की थी, वो उस कच्ची उम्र में अपनी जान देने की कोशिश करने लगी। देखते ही देखते न जाने कहां से उसके पास माचिस आ गई और उसने अपने आप को आग लगा ली। हमने उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम अपनी बच्ची को नहीं बचा पाए। मैं शायद इस दुनिया में सबसे बदनसीब इंसान हूं जिसने कि एक ही दिन में अपनी बच्ची के साथ साथ अपनी बीवी को भी खो दिया। ये कहते ही सचिन वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी कहानी सुनकर दिव्या और विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वो समझ चुके थे कि श्रुति की मौत कोई मामूली मौत नहीं थी, बल्कि उसके पीछे जरूर किसी आत्मा का हाथ था। जरूर कोई ऐसी आत्मा जिसने एक छोटी मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा। विशाल ने तुरंत झुककर सचिन को उठाया और उन्हें एक कुर्सी पर बैठाकर पानी दिया और उनसे कहा, देखिए अपने आप को संभालिए। मैं शायद आपका दर्द समझ भी नहीं सकता, लेकिन आपको अपने आप को संभालना ही होगा। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बीवी के लिए। उनके पास आपके अलावा और कोई भी नहीं है। अगर आप ही इस तरह से टूट जाएंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? उसी के लिए तो मैं ये सांसें ले रहा हूं। अगर वो नहीं होती तो मैं भी अपने आप को फांसी पर लटका कर अपनी जान दे देता। तो बताइए, क्या हमें दोबारा से उस मनहूस होटल राजमहल में आना चाहिए? सचिन का तीखा सवाल सुनकर दिव्या और विशाल बिल्कुल चुप हो गए। वो अब इन पति पत्नी को और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया। जी नहीं, हमारे साथ अपना दुख बांटने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बीवी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दिव्या और विशाल चाहकर भी सचिन को यह नहीं बता पाए कि उनकी 6 साल की फूल सी बच्ची की आत्मा होटल राजमहल के अंदर कैद है और इस वक्त बुरी तरह से तड़प रही है। सचिन से मिलने के बाद वो दोनों वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए, मगर वापस आते हुए बस में उनके मन में अजीब तरह की कश्मकश चल रही है। उनके जहन में अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर एक आत्मा ने श्रुति के शरीर में प्रवेश करके उसकी जान क्यों ली? उस आत्मा की एक 6 साल की बच्ची से क्या दुश्मनी रही होगी? ये सोचते सोचते विशाल ने अपना हाथ अपने आगे वाली सीट पर रखा और उस पर अपना सर टिका दिया।
देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और जब वो उठा तो उसने उठकर देखा कि पूरी बस में उसके अलावा और कोई भी नहीं है। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बस अपने आप चलती जा रही है और ड्राइविंग सीट पर भी कोई नहीं है। उसके माथे पर पसीने छूटने लगे और उसके हाथ पैर डर के मारे थर थर कांपने लगे। उसने तुरंत अपने पास बैठी दिव्या की सीट पर देखा, मगर दिव्या वहां पर नहीं है और उसके सामने जो है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पर एक छोटी गुड़िया रखी है, वही गुड़िया जो दिव्या और विशाल ने कुछ देर पहले उसके घर पर देखी थी। उस गुड़िया को देखकर विशाल काफी ज्यादा घबरा जाता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, अचानक से वो गुड़िया अपने आप अपना चेहरा घुमाकर विशाल की तरफ देखती है और अपनी पलकें झपकाने लगती है। देखते ही देखते उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उनसे खून के आंसू बहने लगते हैं। ये सब देखकर विशाल की डर के मारे चीख निकल आती है और वो घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है जैसे उस खाली बस में कोई चलकर उसके करीब आ गया है और किसी ने उसके कंधे पर अपना जोरदार हाथ रखा है। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर विशाल खचाखच भरी बस से इस खाली बस में कैसे पहुंचा? श्रुति के घर से गुड़िया यहां बस में कैसे आई? कैसे सुलझाएंगे विशाल और दिव्या इस गुत्थी को? क्या ये दोनों इस बच्ची के राज से पर्दा उठा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल।